नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। पिछले दो साल में देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने निवेशकों को जमकर मालामाल किया है। मतलब दो साल में इस शेयर ने इन्वेस्टर्स को 188% रिटर्न दिया है। यानी आपने SBI में दो साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज ये रकम बढ़कर 2,88,000 रुपए हो जाती है। ना कमाल धमाल रिटर्न। अब कई इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार हम तो चूक गए, तो रुक जाइए, आगे इस शेयर में माल बनेगा या नहीं इसका जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन आगे पहले तो आप SBI की कहानी को समझिए। तो बड़ी खबर यह है कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली दफा 5,00,000 करोड़ रुपए के पार चला गया। मार्केट कैप का मतलब होता है कि किसी कंपनी की कुल वैल्यूएशन, यानी किसी कंपनी की कुल कीमत कितनी है। शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव के आधार पर कंपनियों के मार्केट कैप भी बढ़ते घटते रहते हैं। SBI देश का तीसरा ऐसा बैंक बन गया है जिसका मार्केट कैप 5,00,000 करोड़ रुपए के ऊपर है। इससे पहले HDFC बैंक और ICICI बैंक की इस जादुई आंकड़े को छू पाए थे। HDFC बैंक का मार्केट कैप 8.51 लाख करोड़ रुपए और ICICI बैंक का मार्केट कैप 6.3 लाख करोड़ रुपए है। बुधवार यानी 14 सितंबर को बैंक के शेयर 2.3% चढ़कर अपने ऑल टाइम हाई 574.75 रुपए पर पहुंच गए थे। इस तरह से SBI का मार्केट कैप भी उछलकर 5.10 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। गुरुवार को SBI के शेयर करीब 0.5% चढ़कर 574 रुपए का कारोबार कर रहे थे। मार्केट कैप 5,00,000 करोड़ रुपए पार होने के साथ ही SBI देश की 7वीं सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी भी बन गई है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंफोसिस और HUL हैं। पिछले दो साल में SBI के शेयरों ने निवेशकों को 188% का तगड़ा रिटर्न दिया है और इस तरह से मार्केट कैप के मामले में HDFC, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, HCL टेक, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स जैसी ब्लू चिप कंपनियों को पछाड़ दिया है। ICICI बैंक ने गुजरे दो साल में 152% रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने में SBI ने 26% रिटर्न दिया है, जबकि इसी अवधि में सेंसेक्स 13.9% चढ़ा है। 3 महीने में ही ICICI बैंक 32% चढ़ा है, जबकि HDFC बैंक में 15% तेजी आई है। SBI के शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी का दौर है और ब्रोकरेज हाउसेस और एनालिटिस्ट इस शेयर पर बुलिश बने हुए हैं। ट्रेंड लाइन डेटा के मुताबिक SBI के शेयरों के लिए 38 एनालिस्ट रिकमेंडेशन में 32 में स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दी गई है, 1 में इसे होल्ड रेटिंग दी गई है। शेयर के लगातार नई ऊंचाइयों छूने के बावजूद ब्रोकरेज हाउस स्टॉक पर बुलिश है और इसके लिए सेल कॉल नहीं दे रहे हैं। इन्वेस्टर्स भी यही जानना चाहते हैं कि भाई क्या SBI के शेयरों में अभी पैसा लगाएं तो कुछ माल बनेगा या अब रेल निकल चुकी। तो ऐसा है कि ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस SBI के स्टॉक के लिए 600 रुपए से ऊपर के टारगेट प्राइस दे रहे हैं। मसलन MK ग्लोबल फाइनेंशियल SBI पर बुलिश है और इसने बैंकों के शेयरों के लिए 640 रुपए का टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग दी है। इसी तरह से प्रभुदास लीलाधर ने बाय रेटिंग के साथ इसे 620 रुपए का टारगेट दिया है। ICICI डायरेक्ट भी स्टेट बैंक पर बुलिश है और इसके लिए बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने इसके लिए 615 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। मॉर्गन स्टेनली ने स्टेट बैंक को ओवररेट रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस रिवाइज करके 675 रुपए कर दिया है। केनरा बैंक सिक्योरिटीज भी SBI पर बुलिश है। कुल मिलाकर SBI शेयर बाजार में धूम मचाए हुए है और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शेयर में आगे भी तेजी का ट्रेंड जारी रहेगा। यानी निवेशकों को इस शेयर में आगे भी मोटी कमाई इस शेयर में हो सकती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़े ऐसे खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिस्तक।